नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 2022 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज ही के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको जो है मूल पंजीयन कार्ड यानी कि ओरिजिनल पंजीकरण कार्ड मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना होगा, यानी कि 2022 परीक्षा के लिए जो है एग्जाम फॉर्म भरने का भी डेट जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर में ही आपको जो है मूल पंजीयन कार्ड लेना है और एग्जाम फॉर्म भी भरना है। इस वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बात करेंगे कब से कब तक आपका जो है ये दोनों काम होने वाला है और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको कितना रुपया लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि संपूर्ण जानकारी जो है 2022 परीक्षा फॉर्म के बारे में इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अजीत। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यही नोटिफिकेशन जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है आज ही के डेट में और ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे सही और सटीक जानकारी दिया जाता है तो हम आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये 2022 परीक्षा यानी कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है सभी छात्र छात्राओं का जो है मूल पंजीयन कार्ड जारी करने और साथ में परीक्षा फॉर्म का जो है आवेदन पत्र डाउनलोड करके दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवश्यक सूचना। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, अगर आप 2022 में परीक्षा देने वाले हैं तो आपको सबसे पहले जो है विद्यालय के माध्यम से जो है दो आपको जो है पंजीयन कार्ड जो होता है ओरिजिनल दिया जाएगा। आपको पता हो कि पंजीयन कार्ड में त्रुटि जो भी छात्र का था तो बीच में जो है डमी पंजीयन कार्ड जो है जारी किया गया था, जिसको जो है छात्र अपना सुधार कराए हैं विद्यालय के माध्यम से, लेकिन अभी जो है ये जो है ओरिजिनल पंजीयन कार्ड है यानी कि मूल पंजीयन कार्ड है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यालय के द्वारा मूल पंजीयन कार्ड डाउनलोड करके छात्र को जो है दो प्रति देना है मोहर लगा के, यानी कि एक प्रति तो वो ले लेंगे, एक प्रति आपको रखना है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है कि विद्यालय द्वारा होगा, लेकिन हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है बताया जा रहा है कि मूल पंजीयन कार्ड हो गया और परीक्षा आवेदन फॉर्म। तो दोस्तों आपको परीक्षा फॉर्म जो है विद्यालय के द्वारा भी मिल सकता है और आपको ऑनलाइन भी डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे वो दोनों डाउनलोड के बारे में हम आगे बात करेंगे। मेन जो है क्या बताया जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि दो प्रति आपको विद्यालय द्वारा जो है मोहर लगा कर दिया जाएगा, एक प्रति जो है साथ में जो है आपको परीक्षा फॉर्म भी दिया जाएगा दोनों भर के दोस्तों, और आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो यानी कि लगने वाला है दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर करके दोस्तों आपको जो है विद्यालय में जमा कर रहा है। दिनांक समझ लीजिए 14/8/2021 से लेकर 24/8 यानी कि 10 दिन का आपको जो है टाइम दिया जा रहा है। आज ही से जो है ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है, जिसमें आपको विद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म कितना लिया जाएगा, फीस वगैरह तो समझ लीजिए, अगर आप सामान्य कोटि से आते हैं तो आपको 980 रुपया, अगर आप ST SC EBC के अंदर अगर आते हैं तो आपको 885 रुपया लिया जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप जो है सब्जेक्ट वगैरह में कुछ अंतरिक्त करते हैं तो 200 रुपया जो है अलग से देना होगा। ये दोस्तों आपको विद्यालय के द्वारा अलग अब कितना लेगा ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा फिक्स है, आप लोग भी इतना ही रुपया दे, ज़्यादा इससे नहीं दीजिएगा। और इसी के अंतर्गत बताया जा रहा है कि दोस्तों शुल्क वगैरह जो है ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर जो है भरा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर तो साफ साफ बताया जा रहा है कि विद्यालय से दोस्तों डमी पंजीयन कार्ड डाउनलोड किया जाएगा और जो वेबसाइट बताया जा रहा है और साथ में दोस्तों जो फॉर्म होता है परीक्षा फॉर्म उसको भी दोस्तों आपको विद्यालय द्वारा मिलेगा। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों मैट्रिक का जो है खुद से भी डाउनलोड हो जाता है, इसके ऊपर दोस्तों अभी हम रिसर्च करके नहीं देखे हैं कि खुद से होगा या नहीं होगा। और दोस्तों साथ में जो है फॉर्म भी जारी कर दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों ये दोनों जो है फॉर्म किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर हमें फॉर्म मिल गया तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम फॉर्म लाकर जो है स्टेप बाय स्टेप आपको भरना भी बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे अगर खुद से डाउनलोड होना हो जाएगा ओरिजिनल पंजीयन कार्ड तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे सारा वीडियो आपको फेक ही मिलेगा कि डाउनलोड हो रहा है, लेकिन डाउनलोड हो नहीं रहा है, ये सब फेक वीडियो है। फिलहाल आप क्या करेंगे कि आज से अपने जो है कॉलेज में स्कूल में
आप जो है वहाँ से लेकर पंजीयन कार्ड और फॉर्म भरेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध रहेगा जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। लेकिन खुद से कुछ ऐसा होगा तो हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को बाद पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।